आखिरकार पहला कंटेस्टेंट बिग बॉस सीजन 14 का और क्यों कहा गया उन्हें गब्बर, क्या है गब्बर के पीछे का राज, चलिए बताती हूँ। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। वेल, अगर पहले कंटेस्टेंट का खिताब अगर किसी को दिया जा रहा है, दिया जा चुका है, तो वो कोई और नहीं बल्कि एजाज खान है। एजाज खान ने अपनी एंट्री जो है वो काफी ज्यादा धमाकेदार की है, और साथ ही अगर आपने उनका वो देखा हो कि जहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वो तो और भी ज्यादा यू नो अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कैमरा मैन ने उनको बोला स्टार्ट, जिस पर एजाज खान ये बात कहते थे भैया मैं तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका हूँ अपने बारे में बताने के लिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एजाज खान को जो है वो निकनेम दिया गया है और वो है गब्बर। और इस गब्बर के पीछे की क्या स्टोरी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जब एजाज खान का जन्म हुआ था उस समय शोले फिल्म आई थी, और इस शोले फिल्म के दौरान जो है इनका जन्म हुआ था, तो इनके पिताजी ने कॉल करके बोल दिया था कि घर में गब्बर आ चुका है, एंड इवन घर में एजाज खान का निक नेम भी गब्बर ही है, जिसकी वजह से उन्हें गब्बर के नाम से ही पुकारा जाता है। पर आपको बता दूं, फिलहाल जो है एजाज खान की तुलना जो है सिद्धार्थ शुक्ला से भी की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये भी फट सकते हैं बिग बॉस के घर में, जैसे पिछले सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला फट चुके थे। अब ऐसे में आपने निक्की तंबोली को टचमी करते हुए तो देख ही लिया, जिस पर आपने एजाज खान का रिएक्शन भी देख लिया। लेकिन अब दिलचस्प मजा तब आएगा जब ये दोनों घर में साथ में रहेंगे। दोनों की पहली एपिसोड बोलूंगी आप, एक ग्रैंड प्रीमियर के दिन पर ही दोनों के बीच में अनबन भी नजर आ चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले एपिसोड में किस तरीके से दोनों एक दूसरे को संभालते हैं, अपने अपने आप का बचाव करते हुए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग की क्या राय है, गब्बर नाम आपको कैसा लगा एजाज खान के लिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।